हेलो दोस्तों, मैं क्लास फोर का फ्रैक्शन का वर्कशीट फोर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले भी मैं अपलोड किया था तो उसमें बच्चा सब बता रहा था कि जितना ऑफलाइन में आप एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं उसमें ऑनलाइन में नहीं बता रहे हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा लास्ट में कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। दोस्तों, इक्विवेलेंट होता क्या है पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, इक्विवेलेंट जो होता है ना, 4/3 है। दोस्तों, इसका 8/6 जो है ना इक्विवेलेंट है, वो कैसे? देखिए, 3 2 2 टाइम्स पढ़े हैं तो 4 इसको भी 2 टाइम्स पढ़ा, मतलब जितना टाइम्स ये पढ़े हैं उतना टाइम्स ये इक्विवेलेंट होगा। जैसे 12/18 का 4/6, ये दोस्तों इसका भी एक इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि देखिए, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। मतलब सेम टू सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं, या इसमें टू से मल्टीप्लाई, या सेम टू सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सेम डिजिट से डिवाइड या सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट निकलता है। सो दोस्तों, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग को इक्विवेलेंट पहचानेंगे कैसे? तो दो तरह से पहचान सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मैं सारा इक्विवेलेंट बताया था, 4/3 और 8/6 एक ये बताएं, और यहाँ 12/18 और यहाँ 4/6। मैं एक एक्स्ट्रा इफेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि इक्विवेलेंट होता क्या वो पता चलेगा आपको। देखिए, 3 2 जा 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा, देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, इसका मतलब इक्विवेलेंट है। पहला मेथड ये है। देखिए, यहाँ क्या हुआ, 18 को 3 से क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे ना, रहा मतलब सेम टू सेम आ रहा है तो इक्विवेलेंट है। दूसरा क्या है मेथड, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 4 जा 24, और इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24, देखिए इधर भी 24 और इधर भी 24, दोनों तरफ अगर सेम टू सेम नंबर आ जाए दोस्तों, इक्वल आ जाए, तो ये भी इक्विवेलेंट है। एक दूसरा ये तरह से चेक कर सकते हो, ई वाला मेथड से भी, इसमें भी होगा। जैसे 12 6 जा 72 और 18 4 जा 72, देखिए दोनों में आ रहा ना, दोनों मेथड है, दोनों मेथड लगा सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई एक मेथड से यहाँ चेक करके बताऊँगा। पहला नंबर का है, ए नंबर है 1/3 3/9। दोस्तों, ये देखिए, 3 को क्या करेंगे, जो 9 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसको भी 3 से करेंगे तो 1 3 जा 3, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है पहला। बी नंबर बता रहा हूँ, 3/7 और 24/56। दोस्तों देखिए, 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 56 होगा, तो 8 बार में, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, दोस्तों ये भी है। दोस्तों ये डी बना दिए, मिस हुआ, तो चलिए मैं पहले बी बनाता हूँ। इधर यहाँ बी है, ये डी बना दिए, देखिए यहाँ डी है, उसके बाद यहाँ पहले बी बना देता हूँ, 2/5 और 8/25, है ना, ऐसा है यहाँ बी है। तो देखिए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 25 होगा, तो 5 से करेंगे, तो इसको भी 5 से ही करेंगे, या 5 से किए हैं तो 5 2 जा 10 होना चाहिए, यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब बी नंबर जो है इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहला वाला दोस्तों एस हुआ था, दूसरा वाला नो हो गया, उसके बाद बी नंबर नो हुआ। सी नंबर बता रहे हैं, 10/15 इधर है, 2/3, तो 15 को क्या करेंगे जो 3 होगा, दोस्तों मैं बताया था चाहे डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड हुआ होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब ये यस है। उसके बाद है ए बी सी, तो सो डी तो बना ही दिए हैं, डी में यस हुआ। उसके बाद ई नंबर बता रहा हूँ, 1/10 1/14। दोस्तों 10 देखिए, 4 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 होना चाहिए, 1 लिखा, इसलिए ये नो हो जाएगा, ई नंबर नो है। एफ नंबर बता रहे हैं, 3/5
4 और 75 बाय 100। दोस्तों 4 को क्या करेंगे जो 100 होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 3 जा 75, तो ये भी यस है, एफ नंबर जो है यस हो जाएगा। उसके बाद जी नंबर बता रहा हूँ, 2 बाय 9 18 बाय 81। दोस्तों 9 को क्या करेंगे जो 81 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, ये दोस्तों ये भी यस है। उसके बाद है एच, उसके जी के बाद एच, 15 बाय 16 या 30 बाय 48। दोस्तों 16 को क्या करेंगे जो 48 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से करेंगे, तो 15 3 जा, दोस्तों इसको 2 से करते तब आता, लेकिन इसको 3 से या 2 से तो ये नहीं होगा, 9 हो जाएगा, इसको 3 से करते हैं तो 745 आ रहा था। उसके बाद लास्ट बता रहा हूँ, 7 बाय 11 49 बाय 77। दोस्तों 11 को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 77 होगा, तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से करेंगे, थोड़ी 7 से करेंगे तो इसको भी 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49। दोस्तों ये भी यस है, मतलब जो चीज़ से ये मल्टीप्लाई करिए उस चीज़ से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए और दोनों डिजिट मिल गया तो ये यस हो गया, इक्विवेलेंट है। चलिए आगे बता रहा हूँ, अगला 2 नंबर का बताना है, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, 7 बाय 8 ये नंबर बता रहा हूँ, यहाँ इक्वल टू दिया है 35 बाय 40। दोस्तों देखिए 8 क्या करेंगे, 8 5 जा 5 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 5 से करेंगे, 7 5 जा 35। दोस्तों ये यस है, ये है सॉरी ये यस नहीं, ट्रू फॉल्स बताना था, ये ट्रू है, टी लिख देता हूँ। उसके बाद बी नंबर बता रहा हूँ, पहला नंबर ट्रू हो गया दोस्तों, बी नंबर में है 1 बाय 5 इक्वल टू 8 बाय 15, है ना, तो 5 10 जा, तो 1 10 जा 10 होना चाहिए, 8 है, इसका मतलब ये फॉल्स है, एफ लिख देता हूँ, सॉरी एफ है, ये ट्रू था पहला। सी नंबर बता रहा हूँ, 11 बाय 13 22 बाय 26। दोस्तों 13 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो इसको भी 2 से करेंगे, तो 11 2 जा 22। दोस्तों ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है डी नंबर बता रहा हूँ, 25 बाय 30 5 बाय 6। दोस्तों 30 से 6 बना है, तो क्या करेंगे, तो 5 से मल्टी डिवाइड हुआ होगा, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये भी ट्रू है। तो दोस्तों देखिए मैच कर रहा। नेक्स्ट है 100 बाय 700, उसके बाद है 10 बाय 70। देखिए दोस्तों यही है, तो देखिए यहाँ देखिए 10 से डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि 10 कम हुआ है दोस्तों, तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 कम हो जाएगा, ये भी ट्रू है। उसके बाद है लास्ट नंबर 12 बाय 9 9 बाय 12। दोस्तों देखिए ये ना ही इसका मल्टीपल है ना ही इसका मल्टीपल है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। दूसरा बात, ऐसे भी ट्रिक करो, 9 ट्राई कर सकते दोस्तों, 9 9 जा 81 इधर आ रहा है और 14 14 जा 144 आ रहा है, तब भी बराबर नहीं है, है ना, दोनों में इधर लगा इसमें नहीं लगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त का शेयर कीजिएगा। दोस्तों कॉमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा होगा सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।